हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली खान छोटू। है गाइस, कैसे आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे आप लोग। मेरी दुआ हमेशा आप लोग के साथ है। हर बार की तरह इस बार भी बेहतरीन बेभरा किराक आसान 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 सा सवाल लेके आया हूँ हैदराबाद की आवाम के बीच। आज का हमारा सवाल ये है, जो मैं ब्रिज के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, ये ब्रिज एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज है जो हमारे हैदराबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन बड़े पैमाने पर मौजूद है। तो हमारा सवाल यही है, ये ब्रिज का असल नेम क्या है और ये ब्रिज कितने किलोमीटर का है और ये ब्रिज कितने पिलरों पे खड़ा हुआ है। जो भी विनर बनते विनर को यही बताना है, ये ब्रिज का नाम बताना है, ब्रिज कितने किलोमीटर का है पूरा कंप्लीट जवाब देना है और ये ब्रिज कितने पिलरों पे खड़ा हुआ है ये जवाब देना है, जब जाके विनर बनते। आज का हमारा इनाम भी बहुत बेहतरीन बेभरा किराक है, ज़बरदस्त है। आसान सवाल के लिए बहुत भारी इनाम लेके आया हुआ हूँ मैं हैदराबाद की आवाम के बीच। आज के वीडियो के स्पॉन्सर है मसूद भाई, जो 20 साल से आवाम के बीच खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं माशाल्लाह। मैक्स फर्नीचर बोले तो नाम ही काफ़ी है शहर में। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के बीच एक नंबर फुल गारंटी का माल उन्होंने बेचते हैं शोरूम में बैठ कर। ये जो ब्रिज का सवाल लेके आया हूँ मैं, यही ब्रिज के नीचे 68 पिल्लर नंबर के बिल्कुल बगल में मैक्स फर्नीचर है, जो मेहदीपट्टनम से आ सकते हैं आप या गुड्डी मलकापुर फुल मार्केट के बिल्कुल करीब में आपको मैक्स फर्नीचर मिलेगा। तो ये वीडियो के स्पॉन्सर हमारे मसूद भाई है। तो अब आवाम के बीच लेके जाऊंगा मैं आप लोग को, जब तक आप ब्रिज देखिए और थोड़ा शोरूम भी बताऊंगा, शोरूम भी देखिए आप कैसा है क्या है और विनर प्राइस भी देख बता रहा हूँ मैं आपको, विनर प्राइस भी देखिए आप। तो आवाम के बीच मैं लेके जाऊँगा, उसके बाद मेरे वीडियो को लास्ट एंड तक देखिए प्लीज़ गाइस, फॉलो मी। ये ब्रिज का नाम क्या है साहब? पीवी नरसिम्हा राव। हाँ, पीवी नरसिम्हा राव, पूरा नाम बताना साहब। पीवी नरसिम्हा राव बोलते ये ना, वही नाम है। अच्छा ठीक है, चलो ओके, बहुत अच्छी बात है। ब्रिज कितने किलोमीटर का है पूरा कंप्लीट? कंप्लीट बोलते तो आप कार चलाते ना साहब? 6 साल से 11 किलोमीटर है। पक्का बोलो भाई, 11 किलोमीटर एग्जैक्ट नहीं देखा मैं अभी, चक्कर बोलते चेक करेंगे। अच्छा ये ब्रिज कितने पिलरों पे खड़ा हुआ है? वो पिलर पूरे मेरे क्या कहना ना। अरे नहीं, आप 6 साल से ब्रिज के ऊपर कार चला रहे हैं आप? 1 से 395 पिलर तक है। तो बहुत कोशिश कर रहे हैं आप, मगर पूरे थोड़े थोड़े सवाल के जवाब दिए आप। क्या मैं बोला तो सुनता डेली जाता हूँ। अच्छा अच्छा, मेरे बिजी मेरे रहते। अच्छा, कभी टाइम नहीं मिला सोचने के लिए? ये 11 कुछ चिल्लर है भैया, 11 किलोमीटर से बढ़ के ही है। कितना है टोटल? 11 किलोमीटर बोल के तो मालूम है। अच्छा, और ब्रिज का नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा है। पूरा कंप्लीट दियो भाई, खाली पीवी नरसिम्हा बोल के ही मालूम है आप लोगों को। आगे नहीं है कुछ? आगे का कुछ नहीं मालूम है, नहीं बोल सकते। नहीं भाई। ओके, शुक्रिया बहुत बहुत कोशिश करने के लिए। ब्रिज का नाम मेरा नहीं मालूम। ब्रिज कितने किलोमीटर का है वो भी मेरा नहीं मालूम। अरे सताने का चैलेंज दिख रहा है। अरे कहीं को सताऊं भाई आपको मैं? सही बात है भाई। कितनी उम्र है आपकी? 30 भाई। ये ब्रिज कब बना? आपके सामने बना? हाँ सामने बना। आपके पीछे बना? सामने बना। तो ब्रिज का नाम नहीं मालूम? नहीं मालूम, वो नाम तो इतना आपने पता नहीं है। क्या नाम है ब्रिज का? रिंग रोड बोला। रिंग रोड? हाँ। क्या बात है, आप बोलो ये ब्रिज कितने पिलरों पे खड़ा हुआ है? चाइडा तो नहीं मालूम भैया। ये ब्रिज कितने किलोमीटर का है? होगा यहाँ से बोला मेहदीपट्टनम तो अरंगल तक है। किलोमीटर कितना? किलोमीटर तो कितना पता नहीं चलता। नहीं मालूम, आप बोलो। 20 किलोमीटर है। 30 किलोमीटर? 30 किलोमीटर, क्या बात है भाई। चल चल, मेहदीपट्टनम में तो होते लगा रहा है। 4-5 किलोमीटर? 4-5 किलोमीटर है। 10 होगा, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 30 किलोमीटर बोले भाई। भाई के लिए सबसे पहले खिलाफ है, 30 किलोमीटर बोल रहे भाई, क्या बात है। नहीं मालूम भैया, किलोमीटर कितना है? वो 5-6। 5-6, 10, 30, 20, 40, या भाई। नरसिम्हा राव ब्रिज। पूरा नाम बोलिए आप। पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज। पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज, फ्लाईओवर। बस वहाँ तक नहीं, और आगे है थोड़ा नाम।
अच्छा ठीक है, ये जो ब्रिज है ना साहब, कितने पिलरों पे खड़ा हुआ है? आइडिया नहीं है सर। शमशाबाद एयरपोर्ट का ब्रिज, क्या भारी जवाब दिए भाई आप, मुंह धो के है क्या थी? हाँ ले लेना था। अच्छा नाश्ता नहीं हुआ शायद अभी? अच्छा ठीक है, ये ब्रिज का नाम नहीं बताया आप लोग, ठीक है कोई बात नहीं। ब्रिज कितने पिलरों पे खड़ा हुआ है साहब? ब्रिज पता है थोड़ा नहीं मालूम है, यहाँ से 208 उठिए जरा, क्या बोले साहब? यहाँ तक तो 208 है नंबर, है पिलर नंबर। अच्छा क्यों बोले तो आप लोग विनर बन सकते हैं, आप लोगों को इनाम मिल सकता है, अलमारी इनाम है। मेरे सूरत कहीं को देख रहे भाई, ऐसा देख रहे आप लोग, मैं कर्जा बाकी हूँ मैं आप लोगों का। 15 भाई भाई इशारा कर रहे हैं कहीं, बोलिए साहब। 11.5 किलोमीटर का। सही जवाब दियो साहब। बिल्कुल सही है, सही है। हाँ। ब्रिज का नाम क्या है? ये नरसिम्हा राव ब्रिज। पूरा नाम बोलिए साहब। पी नरसिम्हा राव ब्रिज पूरा, और आगे तक है नाम, आगे तक है और? पीवी नरसिम्हा राव एयरपोर्ट ब्रिज। एयरपोर्ट ब्रिज। और एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? यही है, यही। अब हालात में तो यही है फिलहाल, यही है। ब्रिज का नाम क्या बोलते है, क्या कि इंडिया नगर, क्या कि काटा का विषय विषय बोलते है, काटा के लोग बोलते है। हाँ क्या बात है, मैं रेडबुल बोलते बोल रहा हूँ। होगा फिर वही होगा, रेडबुल है। हाँ वही है, राइट है, ओके राइट है, राइट है। कितने पिलर होंगे ये ब्रिज? यार क्या है कि नहीं मालूम, चिट्ठा बने बोलते तो नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, खाली बेभरा देना मालूम, बस बस बस। ओके ना, थैंक यू काका, ओके राइट। आप लोग ज़्यादा पढ़े लिखे दिख रहे और बहुत पैसे वाले अमीर लोग दिख रहे आप लोग। नहीं सब काम करके खाने वाले, पानी वाले। नहीं नहीं, जो नीयत अच्छी रखो, कैसा भी तरक्की होती है बेशक। तो ये ब्रिज के नीचे खड़े हुए आप लोग जी, ये ब्रिज का नाम क्या है? पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज। पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज। आगे और? पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज। बस उतना ही। ब्रिज कितने किलोमीटर का है? 11 किलोमीटर का है। और आगे कुछ भी नहीं मालूम? नहीं मालूम। ठीक है, ये ब्रिज कितने पिलरों पर खड़ा हुआ है? 300 मैं 1800 चिल्लर पे बोलता हूँ। होगा, अरे होगा ना, बोला तो है आगे चला आ रहा हूँ भाई। अरे नहीं जी भाई, तो भाई यहाँ तक याद है हम लोग। कोशिश करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। मंडे के दिन 4 बजे आता वीडियो। अच्छा। और विनर भी बन सकते थे आप लोग। क्या विनर था? प्राइस अलमारी है भाई, अलमारी है। यही ब्रिज का सवाल, ये ब्रिज के नीचे के लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। वही हमारे दोस्त साहब को अच्छा फोन मिलता था आजादी के वक्त, बोले हो ना हमारे आजम, आजम होटल का था वो। मैं 8 साल से चला रहा हूँ। 8 साल मेहंदीपट्टनम से, ये आरामगढ़। आरामगढ़ जी, बहुत अच्छी बात है। कितने किलोमीटर का है ब्रिज? वो कम से कम बोले तो 15 किलोमीटर का है। गलत जवाब। ब्रिज का क्या नाम है? ब्रिज का नाम नहीं मालूम भाई मेरे को, एयरपोर्ट का, शमशाबाद एयरपोर्ट का ब्रिज है। ब्रिज तकरीबन देखो 250 रुपये है, 250 रुपये है। आइए ज़रा बाहर आइए आप। अब कहाँ पर खड़े हुए आप? मैं चंद्रान गुट्टा। चंद्रान गुट्टा बहुत मशहूर है। हाँ, चंद्रान गुट्टे के ऑटो ड्राइवर बोले तो भी मशहूर है जी। माशाल्लाह बहुत किराक सवाल जवाब रहता है उन लोगों के पास। अपने पास नहीं रहता भाई, नहीं रहता जी। पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस हाईवे। हाईवे क्या बात है, पहला सवाल का सही जवाब दिया आप। कितने किलोमीटर का है सर ब्रिज? 11 किलोमीटर 6 फरलोंग का है वो। 11 किलोमीटर 6 फरलोंग मतलब? यानी 11.5 किलोमीटर के आसपास, 11.5 किलोमीटर है। थोड़ा करीब में जाए आप, थोड़ा सोच के जवाब दियो। 11 किलोमीटर ही है उस पर। 11 किलोमीटर का है पक्का? बिल्कुल। ब्रिज कितने पिलरों पर टिका हुआ है वो? 300 चिल्लर पे है, 320 या 300 के आसपास है। एक जवाब दियो भाई। 320 है शायद। 320 है शायद। शायद क्या है ये? मुजाहिद बे के भाई है क्या? नहीं नहीं, तो मुजाहिद बे के भाई। अच्छा, हैदराबादी लैंग्वेज है बोले ये? बिल्कुल। शायद बोले तो ख़त्म। एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है अपना? किलोमीटर में? किलोमीटर में फिलहाल तो देखिए आप, जहाँ तक मेरे को अंदाजा है वो अपने नरसिम्हा राव एक्सप्रेस हाईवे ही है। ये है ना? हाँ। बहुत अच्छी बात है, दो सवाल के सही जवाब दिए आप। दो सवाल का, एक ही सवाल का जवाब दिए सही, बाकी के किलोमीटर भी थोड़ा आसपास थे आप, 19-20 होगा। और पिलरों में भी क्या है, 19-20 होगा जी। तो विनर नहीं बन सकते आप,
उसके लिए शुक्रिया बोलूंगा मैं आपको जी। रोड नंबर 12 नंबर तक नहीं, उससे पहले से खत्म होता ना। अरे भाई मेहदीपट्टनम से शुरू होके खत्म कहाँ होता? खत्म यहाँ समझे आरंगल का नहीं होता। आ, फिर ऐसा बोलो ना मेहदीपट्टनम से हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ भैया नहीं भैया मैं क्या नहीं मैं क्या समझा मालूम, आप शमशाबाद से पूछ रहे समझा। ओके ओके ठीक है चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। वो ब्रिज कितने पिलरों पे बना हुआ है? ताड़िया नहीं है भैया मैं मालूम। ताड़िया कितने किलोमीटर का है ब्रिज? 5-6 किलोमीटर का। 5-6 किलोमीटर? क्या गलत जवाब। मैं कभी उधर फिरता हूँ नहीं ना बना भैया। ऐसा क्या? हाँ ज्यादा नहीं फिरते ना भैया। अच्छा एशिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है? एशिया का सबसे ब्रिज एशिया बोले तो श्रीलंका पाकिस्तान बांग्लादेश वो मलेशिया समझ गया। खूब आया था सबसे बड़ा लंदन में। लंदन में कहीं गुजारे थे आप? अल्लाह रहम करे तुम्हारे ऊपर। अरे अन्ना पेदना हाँ एशिया का नंबर वन ब्रिज अपने हैदराबाद शहर में जो आप बोले ना अभी हाँ मेहदीपट्टनम से शुरू होता आरमगढ़ पे खत्म होता वो किलोमीटर में अपना ब्रिज बड़ा है। ब्रिज शुरू हो के खत्म कहाँ पर हो रहा? ओ मेरे को क्या मालूम, ओ मेरे को क्या मालूम। अरे आप हैदराबाद में नहीं रहे? मैं यहीं फिरता हूँ हैदराबाद, वहाँ तक नहीं आता हूँ मैं। नहीं जाते रास्ता नहीं मालूम? नहीं मालूम उधर का। बहुत अच्छी बात है। आधार कार्ड जेब में रख के फिरना फिर आप? आधार कार्ड भी है लाइसेंस है सब है मेरे पास गाड़ी का। बोले तो रास्ता भटक गया तो क्या है घर तक पहुँचाते? नहीं नहीं मेरे पास लाइसेंस बिसन सब है मेरे पास अल्लाह के फर्ज है और कुछ भी नहीं। भाई सलाम वालेकुम। सलाम आवाज निकालो साहब। वालेकुम सलाम भाई खाले। सुबह सुबह सुतरियाँ खाना? अच्छा हैदराबाद सुतरियाँ नहीं खा गए कितने दिन हुआ? एक महीने के ऊपर होगा सब। एक महीना पहले खाए? खाए। वो सुतरियों की बात ही नहीं आती भाई। कहाँ से आती? मेहदीपट्टनम से शुरू होता आरमगढ़ पे खत्म होता ब्रिज का क्या नाम है? नहीं मालूम भाई आपने। पहुँचो पहुँच के जवाब दो। आसिफ भाई गाय पूरे में को खेल लिया क्या भाई आप बोलो? मैं कभी नहीं मालूम है। मेहदीपट्टनम ब्रिज बोलते है मेरे को मालूम है। मेहदीपट्टनम ब्रिज बोलते है मालूम है। सवाल है हमारा, सवाल का जवाब दे सकते साहब आप? मेरा किन दिन आया था भाई? हिंदी नहीं आता? नहीं आता है। मेहदीपट्टनम ब्रिज है ना फ्लावर ब्रिज? आओ ब्रिज का क्या नाम है? एम्पेरू ना ब्रिज इसको मालूम है मेरा नहीं मालूम। पहले जॉब करता था मैं, अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे जॉब करना पड़ा। पहले स्कूल में टीचिंग करता था। अच्छा जी हमारा आपसे एक सवाल है जी। सवाल का सही तरीके से जवाब दिए तो आप जी। आपको मैक्स फर्नीचर की तरफ से बेहतरीन अलमारी इनाम मिलेगा। अच्छा ठीक है। मेहदीपट्टनम से शुरू होता ब्रिज जी हाँ खत्म कहाँ पर होता? ये आरामगढ़ पे होता है। आरामगढ़ ब्रिज का क्या नाम है साहब? वो ब्रिज का नाम देखो साहब उसका नाम जो है ना आपने रिसेंटली जो इसका आपने केसर साहब नया नाम रखे निकलिस रोड का पीवी नरसिम्हा राव ब्रिज सॉरी निकलिस रोड का नाम चेंज करें पीवी नरसिम्हा राव मार्ग रखे वही ब्रिज का नाम भी पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे है। क्या बोले? पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे। क्या बात है भाई बेहतरीन जवाब दिया पहले सवाल का। ठीक है पीवी नरसिम्हा राव का नाम ऐसा हाईलाइट है कि वो एक तो वो नाम हो गया एक तो निकलिस रोड का दूसरा तीसरा हजूराबाद पे भी जो है ना उसका नाम रखने वाले हैं। अच्छा अच्छा ठीक है सही बात है। अब वो अपन उनलवा रख ले रहे अपन कुछ से मतलब नहीं बता रहा हूँ मैं। मेरा सवाल है ब्रिज का नाम क्या है उसका सही जवाब दिया आप जी। ठीक है पीवी नरसिम्हा राव एक्सप्रेस वे एक्सप्रेस वे। ठीक है ब्रिज कितने पिलरों पे खड़ा हुआ है ये सेकंड सवाल है मेरा। ब्रिज देखो साहब लगभग 300 अपना तो जाना आना रहता शादनगर अपन देखते तो लास्ट पिलर वहीं पर ख़त्म होता मेहदीपट्टनम से शुरू हुआ तो जो है ना करीब 325 पिलर है। माशाल्लाह क्या बात है बहुत अच्छी बात है। ये कैसा मालूम आपको ये 325 है तो? एक्चुअली है क्या बोले तो मैं 2012 में NCC करता था मैं कॉलेज से तो मैं अपने मेहदीपट्टनम में आर्मी विंग से अपना तो वहाँ पर सरोजनी सरोजनी हाँ जी हाँ वहीं पर बाजू में जो है अपन कैंप के लिए जाते थे अपन बस से जाते थे। यहाँ क्या ये रूट क्या है 300 नंबर की बस यहाँ पर से आपको मिल जाती है आपको मेहदीपट्टनम आपको हाईटेक सिटी टोली चौकी आपको गच्ची वाल तक 300 नंबर के बस लगभग यहाँ से आपको मिल जाते हैं पूरे। अच्छा तो अपन क्या है बस से बाय बस जो जाते थे अपन। अच्छा इसलिए आपको ये पिलेरा मालूम है? अब वहाँ से शुरू स्ट्रगल करे शायद आप जी आप बस में सफर करते थे अपना बस पास जाता था पिलर नंबरों पर रुकाती ना भाई बस। तो बेहतरीन पहला सवाल भी सही जवाब दिए दूसरे सवाल का भी सही जवाब दिए। अब तीसरा सवाल है देखो साहब सोच के जवाब दियो क्यों बोले तो मैं सुबह से फिर रहा हूँ साहब मैं। ठीक है बहुत अच्छी बात है आप ज़्यादा पढ़े लिखे आप कहाँ तक पढ़े? MBA करे हुआ MBA करे हुए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये तीसरा सवाल है साहब हमारा किलोमीटर कितना है
ये सोच के जवाब दीजिए आप। देखिए साहब, जब ब्रिज बनता था अपन सुनते थे कि 30 किलोमीटर का ब्रिज बनने वाला है, 30 किलोमीटर का ब्रिज बनता होगा, सुनते थे अपन। जब हम उसके बारे में जब पढ़े थे, इट इज़ इनॉग्रेटेड इन 2009, इट्स लेंथ इसकी आई थिंक जो है ना 11.5 किलोमीटर या 11 किलोमीटर 600 है, 600 मीटर 3-4 बोल दे रहे आप। सोच के सुकून से सही जवाब दियो, आप विनर बन सकते। अभी भी बोल रहा हूँ मैं, आई वॉज रीडिंग इन NDTV न्यूज एंड इन सियासत 11 किलोमीटर पॉइंट 66 मीटर 11 किलोमीटर 600 मीटर है। क्या जवाब दे रहे भाई, कितनी आसानी से जवाब दे रहे आप। ये तो नाश्ते में क्या खा क्या है? अभी नाश्ता आप कराए तो कर लेंगे। हाँ भाई, रफीक तो नाश्ता नहीं। भाई को बताओ, सुतरिया बोले तो आप पीछे मेरे खड़े हुए। हाँ रफीक भाई है, वही खाएंगे रफीक भाई के साथ। भाई को पूछा सुतरिया खाए क्या, बोल के बोले तो नहीं खाए, एक महीना पहले खाए। बोले भाई, भाई के लिए खिलाफ दियो भाई, पूरों को बताओ भाई। माशाल्लाह भाई, बहुत बेहतरीन जवाब दिया 3 सवालों का। तो भाई आप कहाँ पर खड़े के कारोबार कर रहे हैं आप? ये बिसलमंडा बोलते हैं अपन को, DIDL मेन रोड है। या SBI बैंक से ये मुतसल जो है ना अपनी वाटर टैंक है, वाटर टैंक के बाजू में ही ठहके करता हूँ मैं। तो गाइस आप लोग देख रहे हैं, हमारे क्या नाम भाई आपका? कादर, शेख कादर बिन महमूद अल मौदी। अम्मा बहुत लंबा एड्रेस है जी इनका, शेख कादर बोल सकते हैं। नहीं नहीं, पूरा नाम बोलो भाई। शेख कादर बिन महमूद अल मौदी। माशाल्लाह याबा सख्त दिख रहे भाई। भाई याबा सख्त बोले तो केस खत्म है भाई। अंगार मौत जनाजा डोला कफन दफन बेभरे किराक डालेगा रहते भाई लोगों के। क्या भाई, माशाल्लाह आप विनर बन गए भाई मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत मुबारक, आपके लिए क्लैप है। आप अलमारी कैसा लेते हैं, क्या चल क्या करते बोलो आप? अलमारी लेना है शोरूम पे चल के, आप जैसा बोले। तो आप दुकान आपकी माशाल्लाह भाई की टोपियों की दुकान है क्या? आप जैकेट आया, सूटर आ नहीं है? आने वाले सूटर सभी सीजन है, कहीं बोले तो सीजन चालू हो रहा। तो सब क्या है, किसको भेज रहे आप, चल रहे आप अलमारी लेने? आप लोग आए के साथ के? हमारे भाई देख लेते, भाई दुकान देख लेते। बिल्कुल देख लेते हैं भाई, चलेंगे फिर। क्या चलेंगे? मैक्स फर्नीचर किले नंबर 68 तारीख साज इफ्तिताह, मैक्स फर्नीचर एक्सटेंशन। मैक्स फर्नीचर अब नाम नहीं ब्रांड बन चुका है। कामयाबी के इस मौके पर मसूद हसन का खुलेआम ऑफर्स का ऐलान। 1,36,000 के मैरिज फर्नीचर सेट पर रेफ्रिजरेटर और मैट्रेस फ्री। 65,000 के फर्नीचर सेट पर 32 इंच का LED और मैट्रेस फ्री। 48,000 के फर्नीचर सेट पर सैमसंग का स्मार्टफोन फ्री। 25,000 के फर्नीचर सेट पर साइड टेबल बिल्कुल फ्री। सोफा सेट खरीदिए और तिपाई मुफ्त पाइए। इसके अलावा फर्नीचर के दीगर आइटम्स पर अप टू 40% डिस्काउंट पाइए। मैक्स फर्नीचर पर मुख्तलिफ बैंक्स के जरिए 0% डाउन पेमेंट और EMI पर फर्नीचर खरीदिए। जल्दी कीजिए, पहले आने वाली 30 बुकिंग्स पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जा रहा है। बेहतरीन किस्म के दीवान सेट, सोफा कम बेड, डाइनिंग टेबल, रिक्लाइनर, हम आकसाम की अलमारियाँ। म्यारी फर्नीचर के लिए मोतेबर नाम मैक्स फर्नीचर, पिलर नंबर 68, नियर गुड़ी मलकापुर फ्लावर मार्केट, मेहंदीपट्टनम, हैदराबाद। आइए सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह साहब। ये हमारे खादर शरीफ साहब, क्या नाम है आपका? शेख खादर। शेख खादर साहब, अपना जो कीमती सवाल था जी, बेहतरीन बड़े अंदाज से बड़े पैमाने पे सही सवाल का सही जवाब दिए साहब। खादर साहब मुबारक साहब, मैक्स फर्नीचर की तरफ से आपको जो बेहतरीन इनाम जो है, 5x6 की अलमारी मिल रही, वुडन वार्डरोब जो है, मैक्स फर्नीचर की तरफ से आपको बेहतरीन इनाम दिया जा रहा है। आप भी जो है इंशाल्लाह जो है फ्यूचर में भी जो है ऐसी सवालत का हम भी फिर जो है आते रहेंगे पिक्चर में, और आप भी जो है जवाब जो है सही दीजिए, इनामात के जो है इंशाल्लाह आप मुस्तैक रहेंगे। जितने भी जो है मैक्स फर्नीचर के इनामात दिए जाएंगे, अगर आप सही जवाब देंगे तो आप उसके मुस्तैक रहेंगे। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आप।
तो गाइस आप लोग को आज का वीडियो कैसा दिखा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल है अली खान छोटू, अली खान छोटू चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। हमारा फेसबुक आईडी है अली खान छोटू पेज, पेज को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। ऐसी हौसला हिम्मत अफजाई अगर देते रहेंगे आप लोग, इंशाल्लाह और आगे बढ़ के अच्छे अच्छे वीडियो बताऊँगा आप लोग को बना के। तो फिर मिलेंगे अगले मंडे अगले वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।